एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि आज 15 अगस्त है और आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था और मेरा देश आज़ाद हुए अभी 75 साल हो गए हैं। और आज 75वां आज़ादी के महोत्सव मनाने के लिए आज मैं आया हूँ अपना कॉलेज जी सी वैशाली। तो आप देख सकते हैं मैं अभी जी सी वैशाली का मेन गेट पे हूँ और मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट सर सर झंडोत्तोलन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सर आने वाले हैं और झंडोत्तोलन करने वाले हैं। तो आप लोग आप देख सकते हो ये जी सी वैशाली का कैंपस है, इसे मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आप, ये जी सी वैशाली का न्यू कैंपस है जो अभी बिद्दूपुर चक सिकंदर में बना है। आप देख सकते हैं तालीम गर्गाहट के बीच हम लोगों के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर झंडोत्तोलन के लिए आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद झंडोत्तोलन होने वाला है। तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं कि झंडोत्तोलन हो चुका है और कितना शान से झंडा फहरा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ आप देख सकते हैं कि झंडा तोलन भी हो चुका है और कुछ नारे भी लग चुके हैं। तो अब कुछ देर बाद खाने पीने 75वें वर्ष के अवसर पर, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली के लिए यह एक गौरवशाली दिन, स्मरणीय दिन होगा, क्योंकि अब तक हम लोग अस्थाई परिसर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह पहला अवसर है कि जब हम अपने अस्थाई परिसर में, अपने भवन में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसलिए ये सही मायने में हम लोगों के लिए भी आज स्वतंत्रता ही का दिन है कि आज हम अपने परिसर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब कुछ शब्द जो हम आपके साथ साझा करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाते क्यों, इसके दो कारण। एक कि जिन लोगों ने अपनी बलिदानी देकर इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, हमें उनको स्मरण करना है। दूसरा ये वो कारण भी ढूंढना है कि आखिर हम आज़ाद, आखिर हम गुलाम हुए तो क्यों है, ये भी हमें कारण ढूंढना है। और कारण इसलिए ढूंढना है कि हम फिर उसकी पुनरावृत्ति ना करें और हम फिर से गुलाम न बन जाएं। मैं एक दो वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत के गुलामी की तिथि जो है, जिस दिन से भारत गुलामी की आस्था में जकड़ गया,
वह ईस्वी आता है 1757 पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो भारत पहली भारत को अंग्रेजी दास्ता का शिकार होना पड़ा। और आप सबको पता है, अगर इतिहास का थोड़ा बहुत ही ज्ञान होगा, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला नवाब थे, उनके पास 50,000 सैनिकों की संख्या और ब्रिटिशर्स के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। वो 50,000 सैनिक को 3,000 सैनिकों ने परास्त कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय पलासी के मैदान में ये युद्ध हो रहा था, उस समय लाखों लोग मैदान के चारों तरफ खड़े थे हिंदुस्तान के। वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे कि देखें कौन जीता कौन हारा। कभी अंग्रेज जीतते थे तो ताली बजाते थे, कभी नवाब की सैनिक जीतती थी तो ताली बजाते थे। उनके लिए मात्र यह एक तमाशा का विषय, उनको ये पता नहीं था कि आज उनकी तकदीर लिखी जा रही है, आज हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जा रही है। आज हिंदुस्तान अगर नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, तो आज से हम न जाने कितने वर्षों तक दास्ता और गुलामी के शिकार होते। तो सबसे पहले कि हमें जो अपने तटस्थ रहने की आदत सी पड़ गई है कि आगे भविष्य चाहे जो हो, हम तटस्थ रहेंगे, उस तटस्थता का परिणाम हमें गुलामी का कम से कम 1757 से लेकर के 250 वर्षों तक एक तमाशा के रूप में देखे जाने वाले को, हमने 250 वर्ष झेला उस गुलामी की दास्तान। तो हमें ये देखना है कि हमें किसी भी चीज से समाज में अगर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, हम उनके प्रति तटस्थ नहीं रहे, ये हमें सीख देता है, इसीलिए इतिहास की पढ़ाई होती है। दूसरी बात यह है कि हम विज्ञान से अछूते रहे, उदासीन रहे विज्ञान के प्रति। जब अंग्रेज तोप से लड़ने आते थे तो हम तलवार से लड़ते, हमने वो टेक्नोलॉजी प्राप्त नहीं की थी कि हम अंग्रेज की चुनौती का सामना करें। हमें युद्ध की तकनीक की स्थिति यह थी कि जब पता था कि युद्ध में हमें तेज दौड़ की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ पर चंद लोग मात्र 50-100 की संख्या में घुड़सवार आते थे, हम अपनी लड़ाई हाथी पे चढ़ के लड़ते थे। आपने बताया कि क्या घोड़े की तुलना में हाथी तेज दौड़ सकता है, घोड़े की तुलना में हाथी से लड़ाई जीती जा सकती है। तो हमें अपनी भव्यता का प्रदर्शन करना था कि देखो बड़े बड़े हाथी हैं, हमें युद्ध को नहीं जीतना। तो जहाँ घोड़े से लड़ाई होती थी वहाँ हम लोग हाथी का प्रयोग करते थे, जहाँ वो लोग तोप से आते थे तो हम तलवार का यूज करते थे। और उससे सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोग आपस में, यहाँ के जो राज्य हैं वो आपस में ईर्ष्या, आपस में द्वेष, जातीय भेदभाव, धर्म के आधार पर हम इतने बढ़ते चले गए कि इसका लाभ अंग्रेजों ने 250 वर्षों तक उठाया। और सही मायने में आप देखें तो जो हमारे अंदर का जो भेदभाव था वो गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना। तो क्या आज हमें अंतरावलोकन, अपने इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या हम उन चीज़ों से उभर पाए हैं, क्या हृदय पर हाथ रख कर आज हम उठ सकते हैं, क्या हम जात पात के आधार पर नहीं बटे हैं, हम धर्म के आधार पर नहीं बटे हैं। अगर आप अंदर से बटे हैं तो आप मान कर चलिए कि आप स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी मानसिक रूप से आप गुलाम की जिंदगी में। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास हो, तो सबसे पहले हमें जातीय भेदभाव, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भेदभाव है उसे हमें समाप्त करना होगा। अगर आप झंडे की तरफ देखें, किसी ने देखा है कि उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, व्हील में कितने स्पोक्स हैं, किसी ने काउंट किया है, 24, और वो सारे 24 कहां करके मर्ज कर रहा है, एक जगह एक चक्र पे। वो क्या इंडिकेट करता है, वही आपको बताता है कि हमारा देश विविधताओं का देश है। भाषाएं अलग होंगी, धर्म अलग होंगे, जातियां अलग होंगी, लेकिन हम सब आकर एक जगह मिलेंगे और एक जगह मिल करके समग्र रूप में हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। जो हमारे तिरंगा का तीन कलर है, शायद उसका भी महत्व आपको पता होगा। सबसे ऊपर कौन सा कलर है, वो क्या इंडिकेट करता है, त्याग और बलिदान, वो बलिदान और शक्ति का प्रतीक है। हमें दिखाना है दुनिया को कि हम शक्तिशाली हैं, हमें बलिदान भी हम कर सकते हैं। अगर देश की अखंडता पर कोई आंच आ जाए तो हम अपने आप को बलिदान करेंगे, लेकिन साथ साथ हम शांति के भी प्रतीक हैं, हम शांति के दूत रहे हैं। आज से नहीं, मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ है, भारत शांति का दूत है।
और आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग आए शरणार्थी बनकर और सभी धर्मों को इस समाज ने उसी तरह अंगीकार किया जैसे ये भूले बिसरे हमारे समाज के लोग रहते, उसी तरह अंगीकार किया। तो हमें सही सुनता भी हमें उतनी ही है, जो विश्व में हमें आज विश्व गुरु के रूप में तो जाना जा रहा है। इसका एकमात्र कारण नहीं है कि भारत शांति और सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और इसके नीचे जो हरा रंग है वो क्या है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, धरती की हरियाली ही से इस देश को समृद्धि आएगी, और ये किसान प्रधान देश है इसलिए हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो पूरा देश खुशहाल होगा। उस तिरंगे का जो रखा गया है और जो चक्र है वो चक्र बताता है कि हमें अगर उन्नति के पथ पे हमेशा चलते रहना है। स्वामी विवेकानंद का जो है चरैवेति चलते रहो, रुको मत, थको मत। और यहाँ पर एक मुझे याद है कि मार्गरेट कालवा का है कि अगर आप चल सकते हो तो रेंगो, यही है, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, लेकिन चलते रहो, हमेशा चलते, तभी हम प्रगति के पथ पर आएंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप सबको पता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत की 68% आबादी 35 वर्ष से नीचे, 68 वर्ष अगर आप 68% गिनेंगे तो 75 करोड़ की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी उम्र 35 साल से कम की है, इसलिए भारत को युवाओं का देश माना जाता है। और आप भविष्य का, भारत के भविष्य का जो भी आपको गाथा लिखनी है वो हम युवाओं को ही लिखने हैं, सारे इतिहास आपको लिखने हैं, और आज सारी दुनिया की निगाह इसलिए भारत पे टिकी हुई है कि भारत युवाओं का देश है, इसके अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है, हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वो नई तकनीक का मामला हो या समाज में एकता अखंडता का जागरूकता फैलाने का विषय हो, हम सब मामले में हमारे युवाओं पर आंख सारे विश्व की टिकी हुई है। और सारा विश्व पहली बार 300 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान को विश्व के लेवल पे पहचान मिली है कि आज आत्मनिर्भर भारत का जो पहचान हमें मिलने जा रहा है वो 300 वर्षों के बाद ये भारत को सौभाग्य प्राप्त किया। ब्रिटिशर से यहाँ आए थे तो सबसे पहले उन्होंने किस चीज को ध्वस्त किया था, बंगाल के मुर्शिदाबाद का जो हमारा टेक्सटाइल का फैक्ट्री था, जब वहाँ आकर के अध्ययन किए तो कह रहे भारत तो आत्मनिर्भर है, यहाँ के कपड़े को देश विदेश में जा रहे हैं, तो पहला काम करो कि भारत के आत्मनिर्भरता को समाप्त करो, और उसने सारे टेक्सटाइल फैक्ट्री को पहला काम बंद करा। आज वो 300 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम COVID-19 के क्षेत्र में वैक्सीन बनाने का मामला हो, चाहे मिसाइल बनाने का मामला हो, आज हम भारत अपने युवाओं के बल पर हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसलिए आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, आप युवाओं से काफी अपेक्षाएं हैं, और युवाओं में खासकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, तो सारा समाज और सारे राष्ट्र की निगाह टिकी हुई है कि ये आज के इंजीनियर कल देश के निर्माता बनेंगे, चाहे वो आधारभूत संरचना का मामला हो, चाहे मिसाइल का मामला हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में किसी भी वितरण का मामला हो, हमारे युवा वो सारे कार्य करेंगे, मंगल ग्रह पे जाने की बात हो, चंद्रमा पर जाने की बात हो, चाहे जो भी हो, विज्ञान हो, शोध हो, तकनीक हो, ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी देश के विकास में दो ही चीज़ की जरूरत है, विज्ञान और तकनीक का, और दूसरा आपके पास पूंजी की, ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि पूंजी का सीधा संबंध विज्ञान और तकनीक से है, हम तकनीकी रूप से जितना दक्ष होंगे, हम हमारे अंदर जितना कौशल का विकास होगा, हम उतना पूंजी का सृजन करेंगे और हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए हम अभियंत्रण महाविद्यालय के वैशाली से कहेंगे कि आपको अपनी एक अलग गाथा लिखनी, अलग गाथा क्यों लिखनी है कि वैशाली प्रथम विश्व का लोकतंत्र का गणराज्य रहा है, आज तक हम इसी रूप में जाने जाते हैं, तो वैशाली तीन चीजों से हम जाने जाते हैं, इसके लिए हमें गर्व है। सबसे पहले हमें अपने विरासत पे गर्व करना सीखना होगा, वो एहसास करना होगा, तो हमें आत्मविश्वास होगा। हम उस धरती पर अभियंत्रण महाविद्यालय बना है जो विश्व का पहला गणतंत्र दिया जिस वैशाली ने, जिस वैशाली ने महात्मा बुद्ध को दिया, जिस वैशाली ने वर्धमान महावीर को दिया,
हम उस वैशाली के धरती पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। इसलिए आपसे अब अपेक्षाएं ये हैं कि जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में जाना जाता था, हमारे वैशाली अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम विश्व के पटल पर आए। वैशाली का नाम रोशन करें, क्योंकि वैशाली की जनता ने जिस आकांक्षा से, जिस उम्मीद से यहाँ पर उन्होंने अपनी भूमि वगैरह दे करके आपके इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित करने में जो सहयोग प्रदान किया है, उनके प्रति ऋण आप तभी चुका पाएंगे जब आप राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर जा करके अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और उस जब आप विदेश में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उस सर्टिफिकेट पर लिखा होगा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली का नाम लिखा होगा, तो आपके नाम से इस वैशाली जिला का नाम होगा। और कल होकर के जब वैशाली की गाथा लिखी जाएगी, तो उसमें चौथा चीज जुटेगा, यहाँ का अभियंत्रण महाविद्यालय। तीन तो था ही, महात्मा बुद्ध के रूप में, तीसरा वर्धमान महावीर के रूप में, और चौथा गाथा जो हम चौथी गाथा लिखेंगे, वो अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली का गाथा लिखा जाएगा। जब हमारे छात्र देश और विश्व के स्तर पर जाकर के तकनीकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे, अपना दस्तक देंगे वहाँ पे, तब जाकर के सही मायने में यहाँ के जनता के प्रति हम ऋण चुका पाएंगे, समाज के प्रति हम ऋण चुका पाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर खुद ही अपने हाथों से यहाँ के स्थानीय बच्चों को नाश्ता का प्लेट दे रहे हैं। कुछ बच्चों यहाँ भी आए हुए हैं और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का राष्ट्रीय मिठाई जो जलेबी होता है, जलेबी है, और एक हल्दीराम का भुजिया है। अभी नाश्ता हल्का फुल्का जो होता है, अभी यही व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ देर पहले ही देखा कि झंडा तोलन भी हो चुका है। मेरे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर कुछ मोटिवेशनल शब्द भी कहे हैं और हल्का फुल्का नाश्ता भी हो चुका है, जिसमें आपने राष्ट्रीय मिठाई, आपने जलेबी और कुछ भुजिया भी देखे आप वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जेसी वैशाली का न्यू कंटेंट के साथ मैं पूरा कैंपस टूर कुछ ही दिन में न्यू वीडियो लेने लाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो में किसी भी तरह का आप लोग को कमी महसूस हुआ हो, आप लोग कमेंट में जाएं और मुझे कमेंट करें, इससे मैं आने वाला वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखें।